वेलकम व्यूवर्स, दिस इज एन एस स्टडी। टूडेज टॉपिक स्टार्टिंग मटेरियल कैलकुलेशन थंब रूल। थंब रूल मेथड से स्टार्टिंग मटेरियल का कैलकुलेशन मेथड यूज फ्लैट स्लैब एरिया मेथड। फ्लैट स्लैब एरिया मेथड के यूज करते हुए हम लोग थंब रूल मेथड के जरिए स्टार्टिंग मटेरियल कैलकुलेशन करेंगे। इसमें जो क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको पहले मैं इनुमरेट कर देता हूँ। प्लाई बोर्ड्स फॉर साइड्स ऑफ बीम एंड बॉटम ऑफ बीम। प्लाई बोर्ड्स का कंसिडर किया गया यहाँ पे साइड्स ऑफ बीम और बॉटम ऑफ बीम के लिए, और MS प्लेट यूज करेंगे स्लैब के सॉफिट के शटरिंग के लिए। MS प्लेट्स और बीम्स के बॉटम और बीम्स के साइड्स के लिए जो यूज किया जाएगा वो प्लाई बोर्ड होगा। उसके बाद वुडन बैटन्स का यूज होगा। MS प्लेट का यूज होगा। वर्टिकल MS प्रॉप्स या जिसको बल्लीज भी बोलते हैं, ये तो माइल्ड स्टील का होता है MS प्रॉप्स, और लकड़ी का भी होता है। तो वर्टिकल MS प्रॉप्स या बल्ली जो भी यूज किया जाएगा उसका कैलकुलेशन होगा। MS चैनल्स का कैलकुलेशन होगा, और नेल्स का, और शटरिंग वॉयल। तो ये 7 आइटम्स हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे थंब रूल मेथड से और फ्लैट स्लैब एरिया मेथड के जरिए। अब इसमें एक डायग्राम है। ये हमारा जो अजम्पशन है वो ये है कि एक स्लैब है जो इसका साइज है 20 मीटर, इसका लेंथ है 20 मीटर और उसका विड्थ है 12 मीटर। 20 मीटर और 12 मीटर साइज है स्लैब का, तो इसका एरिया कितना हो गया? फ्लैट एरिया इसका हो गया 20 × 12 = 240 स्क्वायर मीटर। ये 240 स्क्वायर मीटर का स्लैब है और जिसका लेंथ और विड्थ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें जो भी मटेरियल यूज होगा शटरिंग से रिलेटेड उसका सारे का कैलकुलेशन किया जाएगा थंब रूल के मेथड के जरिए। शटरिंग मटेरियल कैलकुलेशन थंब रूल मेथड फ्लैट स्लैब, यहाँ पे जो वर्कआउट किया हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लैट स्लैब एरिया 20 मीटर बाय 12 मीटर। स्लैब एरिया क्या है? 20 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, तो उसका एरिया क्या हो गया? 240 स्क्वायर मीटर। और अगर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया जाएगा तो 2582 स्क्वायर फीट एरिया होगा। तो इतने ही एरिया के लिए मटेरियल का कैलकुलेशन किया जाएगा शटरिंग मटेरियल का। तो शटरिंग एरिया फॉर बीम्स, ये तो फ्लैट स्लैब एरिया का शटरिंग एरिया हो गया 240 स्क्वायर मीटर। उसके बाद शटरिंग एरिया फॉर बीम साइड, बीम का जो साइड्स होगा उसका शटरिंग एरिया जो फ्लैट स्लैब एरिया का शटरिंग एरिया होता है उसका 30% कंसीडर किया जाता है बीम के साइड्स का। तो बीम के साइड का एरिया क्या हो जाएगा? ये थंब रूल मेथड के बेसिस के ऊपर है, इससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। 30% ऑफ फ्लैट स्लैब एरिया, तो 30% ऑफ फ्लैट स्लैब एरिया 240 स्क्वायर मीटर है, तो 30% उसका क्या होगा? 30 / 100 × 240 ये 72 स्क्वायर मीटर क्या हो गया? फ्लैट स्लैब एरिया हो गया 72 स्क्वायर मीटर। अब दूसरा आइटम क्या है इसमें? एक तो शटरिंग एरिया फॉर बीम साइड्स है, दूसरा शटरिंग एरिया फॉर बीम बॉटम, बीम के बॉटम का शटरिंग एरिया, उसको भी अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो शटरिंग एरिया इसलिए अलग से कैलकुलेट करेंगे कि वहां पे हम लोग प्लाई बोर्ड इस्तेमाल करेंगे, बीम के साइड्स में प्लाई बोर्ड का शटर इस्तेमाल करेंगे और बीम के बॉटम में भी करेंगे, इसलिए इसकी क्वांटिटी का अलग अलग मालूम होना जरूरी है। तो ये कितना होता है थंब रूल के तहत? 15% ऑफ फ्लैट स्लैब एरिया। तो ये क्या हो गया? फ्लैट स्लैब एरिया 240 है, तो इसका 15% × 100 × 240 = 36 स्क्वायर मीटर हो गया। तो प्लाई बोर्ड रिक्वायर्ड फॉर बीम साइड्स एंड बॉटम, प्लाई बोर्ड का जो यूज होगा वो बीम साइड्स के लिए होगा और बीम बॉटम के लिए होगा। तो बीम साइड्स और बीम बॉटम का टोटल क्या होगा? ये जो पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है शटरिंग एरिया फॉर बीम बॉटम कितना कैलकुलेट? 72 स्क्वायर मीटर, और बीम शटरिंग एरिया फॉर बीम साइड 72 स्क्वायर मीटर, और शटरिंग एरिया फॉर बीम बॉटम 36 स्क्वायर मीटर, ये कैलकुलेट किया गया। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने के बाद ये 72 + 36 108 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। 108 स्क्वायर मीटर प्लाई बोर्ड रिक्वायर्ड फॉर बीम साइड्स एंड बॉटम, 72 + 36 = 108 स्क्वायर मीटर। अब एक प्लाई बोर्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है जो शटरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है 1.22 × 2.44 मीटर, और 12 mm इसकी थिकनेस होती है, 12 mm थिक। नॉर्मली 12 mm थिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा जो ओवरलोडेड ज्यादा रहता है तो ज्यादा 15 mm का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे 12 mm कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इसका एक प्लाई बोर्ड एरिया का क्या हो गया? एक प्लाई बोर्ड का कितना एरिया हो गया? 2.9 स्क्वायर मीटर को अप्रोक्सीमेटली 3 स्क्वायर मीटर हम कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल प्लाई बोर्ड कितना इस्तेमाल होगा?
टोटल प्लाई बोर्ड, टोटल स्ट्रक्चरिंग एरिया हमारा कितना था, 108 स्क्वायर मीटर था। 108 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री क्या है, एक प्लाई बोर्ड का एरिया थ्री। तो 108 को जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 नंबर्स। अब इसमें कुछ वेस्टेज भी होता है प्लाई, हमेशा हम लोगों का ऑब्जर्वेशन यह है कि जब प्लाई का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज को कितना कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, 10%, 10% उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो 10% ऑफ 36 नंबर, 36 नंबर तो टोटल प्लाई बोर्ड था, उसका 10% इतना हो गया 3.6 नंबर, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 36, 3.6 नंबर। तो टोटल प्लाई बोर्ड, टोटल प्लाई बोर्ड कितना हो गया, ये 36 नंबर और 3.6 नंबर दोनों को ऐड करेंगे तो 39.6 नंबर। और ये इसको क्या हम कंसिडर कर सकते हैं, 40 नंबर कंसिडर कर सकते हैं, 40 नंबर। तो ये हो गया 40 नंबर, यहाँ पे 40 नंबर ऑलरेडी लिख देते हैं जगह के ऊपर, यहाँ पे 40 नंबर मेंशन कर देते हैं, प्लाई बोर्ड फॉर साइड्स ऑफ बीम, यहाँ ये कितना हो गया 40 नंबर्स। एक एक क्वांटिटी हमारी आ गई प्लाई बोर्ड फॉर साइड्स ऑफ बीम एंड बॉटम ऑफ बीम, ये 40 नंबर्स प्लाई बोर्ड। और इसका साइज क्या होगा, 1.22 मीटर, ये भी लिख देना चाहिए, इंटू 2.44 मीटर। एक डाटा तो हमारा डेवलप हो गया प्लाई बोर्ड का। अभी हम लोग सटीक मटेरियल कैलकुलेशन थंब रूल मेथड से कर रहे थे, उसमें फर्स्ट आइटम प्लाई बोर्ड्स फॉर साइड्स ऑफ बीम एंड बॉटम ऑफ बीम को कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। और अब हमारा सेकंड आइटम है शटरिंग प्लेट्स, इसको एमएस प्लेट्स भी कहते हैं, इसका थंब रूल मेथड से कैलकुलेशन अब करना है। तो ये किसके लिए कहाँ इस्तेमाल होगा, ये फॉर स्लैब सॉफिट्स ओनली, ये मटेरियल जो इस्तेमाल हम करेंगे मेस प्लेट को, ये स्लैब के सॉफिट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। साइज ऑफ प्लेट एज्यूम कर लेते हैं 600 बाई 900 एमएम या 2 फीट बाई 3 फीट, 2 फीट बाई 3 फीट का जो प्लेट का साइज है उसको यूज कर रहे हैं। तो प्लेट, एक प्लेट एरिया का कितना हो गया, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 इज इक्वल टू 0.54 स्क्वायर मीटर, ये तो एक प्लेट का साइज हो गया। अब टोटल स्लैब सॉफिट एरिया, टोटल स्लैब सॉफिट एरिया निकाला जाएगा और उसके बाद फिर एक प्लेट एरिया से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेट्स निकल आएगा। तो टोटल स्लैब सॉफिट एरिया, टोटल स्लैब फ्लैट एरिया हमारा है माइनस बीम बॉटम एरिया, पूरा स्लैब एरिया के अंदर बीम का बॉटम भी आ जाता है, अगर एंड टू एंड हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसमें बीम का बॉटम इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल स्लैब फ्लैट एरिया माइनस बीम बॉटम एरिया, ये क्या हो जाएगा, स्लैब सॉफिट का एरिया हो जाएगा। तो 240 स्क्वायर मीटर तो टोटल स्लैब एरिया था, 240, यहाँ पे कितना है, ये 20 मीटर इसकी लंबाई है, 12 मीटर चौड़ाई है, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाई 12, ये 240 स्क्वायर मीटर हो गया। तो 240 स्क्वायर मीटर इसमें से घटा देंगे 36 स्क्वायर मीटर, यहाँ पर क्या है, ये बीम बॉटम एरिया जो ऑलरेडी पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 36 स्क्वायर मीटर बीम का बॉटम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट से कर चुके हैं। यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, सेटिंग एरिया फॉर बीम बॉटम 15% ऑफ फ्लैट स्लैब एरिया, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 240, 36 स्क्वायर मीटर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। 240 माइनस 36, ये 204 स्क्वायर मीटर हो गया। नंबर ऑफ एमएस प्लेट, अब क्या टोटल एरिया में से क्या किसको घटा देंगे, वन प्लेट एरिया को जो घटा डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ एमएस प्लेट आ जाएगा। तो 204 डिवाइडेड बाई 0.54, 204 क्या है, ये एरिया है स्लैब सॉफिट का, 0.54 क्या है, एक एमएस प्लेट का एरिया है, 0.3 0.6 इंटू 0.9 मल्टीप्लाइड करने के बाद 0.54 आया था, इसको डिवाइड करने के बाद 378 नंबर आ रहा है, 378 नंबर। यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा कंसीडर किया जाएगा प्लेट्स के अंदर, 5% जो है थंब रूल के मेथड से 5% एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने के बाद 5% ऑफ 378 जो कि 19 नंबर, 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 378 ये 19 नंबर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एमएस प्लेट 397 नंबर, तो कितना आ गया, 397 नंबर, ये हमारा एमएस प्लेट का टोटल नंबर आया। इसको यहाँ पे अभी हम एमएस प्लेट का कितना नंबर क्या लिखना है, यहाँ पे 397 नंबर्स, 397 नंबर्स। और इसका साइज क्या है, 0.6 बाई 0.9, साइज लिखना भी जरूरी है। यहाँ पे ये 40 नंबर्स था, ये 1.40 नंबर्स था, ये प्लाई बोर्ड 40 नंबर्स, 1.22 बाई 2.44। उसके बाद वुडन बैटन्स, ये पाइन वुड का होता है। नेक्स्ट आइटम है हमारा वर्टिकल एमएस प्रॉप्स, स्ट्रक्चरिंग मटेरियल कैलकुलेशन, थंब रूल के मेथड के ऊपर कैलकुलेशन हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू है। और अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, वर्टिकल एमएस प्रॉप्स। तो ये वर्टिकल एमएस प्रॉप बीम बॉटम, दो तरह का आइटम है इसके अंदर, बीम बॉटम प्रॉप्स, बीम के बॉटम में लगाएंगे, उसके बाद स्लैब सॉफिट में प्रॉप्स लगाया जाएगा।
तो बीम बॉटम प्रॉप्स, बीम बॉटम विड्थ जनरली क्या होता है 230 mm, और 230 mm होता है रेसिडेंशियल एरिया के लिए, जो रेसिडेंशियल एरिया होता है इसमें लाइव लोड कम होता है, और 300 mm कमर्शियल एरिया के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ज्यूम कर रहे हैं कमर्शियल एरिया का के लिए। तो एरिया ऑफ बीम बॉटम 36 स्क्वायर मीटर, ऑलरेडी पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, बीम के बॉटम का एरिया 36 स्क्वायर मीटर पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बीम बॉटम लेंथ कितना हो जाएगा, अगर 0.3 300 mm विड्थ उसका कंसिडर कर रहे हैं, तो 36 स्क्वायर मीटर से 0.3 मीटर जो कि उसका विड्थ है उसको डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने के बाद 36 डिवाइडेड बाई 0.3, ये 120 क्या आ गया, लीनियर मीटर, 120 मीटर आ गया, 120 लीनियर मीटर या मीटर जो भी बोल सकते हैं वो आ गया। तो नंबर्स ऑफ प्रॉप्स इन बीम बॉटम कितना हो गया, 120। इसको सेंटर टू सेंटर कितना कंसिडर कर रहे हैं, 0.6 मीटर, 0.6 मीटर सेंटर बीम के नीचे जो प्रॉप्स लगाते हैं वो 0.6 मीटर सेंटर टू सेंटर पे लगाते हैं, उस पर लोड ज्यादा होता है। तो 120 डिवाइडेड बाई 0.6, तो इसका वैल्यू आती है 200 नंबर्स। तो बीम बॉटम का नंबर ऑफ जो प्रॉप्स हुआ वो 200 नंबर्स थंब रूल के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होकर के आया। अब दूसरा आइटम है इसी प्रॉप से रिलेटेड, स्लैब सॉफिट प्रॉप्स। तो स्लैब सॉफिट प्रॉप्स पे कितना है टोटल एरिया ऑफ स्लैब स्लैब सॉफिट, 204 स्क्वायर मीटर है टोटल एरिया। तो हमारा यहाँ पे कितना था, 240 स्क्वायर मीटर था टोटल एरिया, फ्लैट स्लैब का एरिया 240 स्क्वायर मीटर था, 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा हमारे पास स्लैब है जिसका टोटल एरिया 240 स्क्वायर मीटर है। तो उसमें से 204 यहाँ पे क्या हुआ, 240 में से 36 स्क्वायर मीटर बीम का जो बॉटम है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, इसलिए कि यहाँ पे हमारा जो टारगेट है ये स्लैब सॉफिट प्रॉप्स का है, तो बीम का एरिया यहाँ से एक्सक्लूड कर देना पड़ेगा। तो इसमें से जब घटाएंगे 240 में से 36, तो 204 मीटर आ गया, स्क्वायर मीटर आ गया सिर्फ स्लैब का सॉफिट। तो 204 स्क्वायर मीटर उसको डिवाइड किसे कर रहे हैं, 0.81 से। तो 0.81 से डिवाइड करने के बाद 252 नंबर्स आया पॉइंट। अब ये क्या है, ये जो कंसीडर कर रहे हैं प्रॉप्स को, ये 90 सेंटीमीटर, कंसीडर प्रॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 900 सेंटर टू सेंटर, दोनों तरफ से लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से 900 कंसीडर किया जा रहा है, मतलब प्रॉप जो हम लोग लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, एक प्रॉप्स इस तरह से, एक तो ऐसे चैनल लगेगा हमारा इस तरह से, उसके बाद क्या है उस यहाँ पे 900, ये जो डिस्टेंस होगा प्रॉप्स का ये 900 होगा, 900 ऐसे होगा, 900 होगा, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा ये 900 होगा, ये डिस्टेंस 900 दोनों तरफ से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ से 900 कंसीडर करेंगे स्लैब के नीचे। तो 900 कंसीडर करने के बाद 0.9 × 0.9 0.81 हो गया। तो ये क्या हो गया, 204 डिवाइडेड बाई 0.81, 0.81 यहाँ से आया, तो ये हमारा 252 नंबर्स हो गया, 252 नंबर्स। अब इसका जो है समरी उसको लिख लेते हैं 252 नंबर्स का। तो वर्टिकल एमएस प्रॉप्स कितने होगा, यहाँ पे वर्टिकल एमएस प्रॉप 200 + 250, वर्टिकल एमएस प्रॉप्स 200 + 252, 200 और 252 ये 452 के बराबर आ गया, 452 नंबर्स, 200 252 लिखा है यहाँ पे। तो 252 क्या है, स्लैब का सॉफिट, सॉफिट ऑफ स्लैब के नीचे जो प्रॉप्स आ रहा है वो 252 है, और बीम के नीचे 200, तो 200 और 252 ये दोनों जोड़ने के बाद 452 नंबर्स प्रॉप्स हो गया, 452। अब नेक्स्ट है हमारा आइटम एमएस चैनल्स का, ये एमएस चैनल्स कहाँ यूज होगा, ये स्लैब सॉफिट में इस्तेमाल करेंगे इसे, स्लैब सॉफिट में। चैनल विल बी फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 900 mm सेंटर टू सेंटर, क्योंकि वहाँ प्रॉप्स भी कहाँ कितने दूरी पे लगा रहे हैं, 900 सेंटर टू सेंटर पे लगाना है, तो ये चैनल्स को भी फिक्स जो करेंगे वो 900 mm सेंटर टू सेंटर पे करेंगे। विथ ऑफ स्लैब 12 मीटर है, तो नंबर ऑफ रो ऑफ चैनल कितना रो बन जाएगा, 12 मीटर तो विथ है, तो 12 मीटर को 0.9 से डिवाइड करने के बाद ये 13.33 आता है, जो कि 14 के बराबर हो गया। तो कितना कितना रोज लगेगा चैनल्स का, कितना रोज लगेगा, यहाँ से ये 12 मीटर है, 900 सेंटर टू सेंटर पे इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह से जब एक रो ये हुआ, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फाइव रो, सिक्स रो, टोटल नंबर्स रो जो होंगे इस तरह के वो टोटल 14 होंगे, 14 ऑलरेडी कैलकुलेट करने के बाद 14 आ रहा है, 12 मीटर तो इसकी विड्थ है, उसमें से 0.9 पे सेंटर टू सेंटर फिक्स कर रहे हैं प्रॉप्स को या चैनल्स को भी, तो ये 14 नंबर के बराबर आ गया। तो 20 × 14 है, उसका पूरा लेंथ ऑफ द स्लैब कितना है हमारा, जो ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग 20 मीटर, 20 मीटर लेंथ लॉन्ग कितना कंसिडर हो गया चैनल्स, ये हो गया 14 नंबर, 20 × 14 ये 280 रनिंग मीटर आ गया, 280 रनिंग मीटर।
कंसीडर लेंथ ऑफ चैनल 2.4 मीटर, उसका लेंथ जो है उसको 2.4 मीटर कंसीडर करते हैं 8 फीट के बराबर। तो नंबर्स ऑफ चैनल्स कितना हो गया, 280 रनिंग मीटर तो टोटल आया, उसमें 2.4 से डिवाइड करेंगे तो ये 116.6 जो कि 117 नंबर के बराबर भी आ गया। तो ये टू को जरूरी नहीं है कि 2.4 मीटर ही का कंसीडर किया जाए, थोड़ा छोटा बड़ा भी कंसीडर किया जा सकता है। 2.4 मीटर तो एक स्टैंडर्ड एक साइज है, उससे छोटे का भी चैनल मिलता है और भी छोटे का चैनल मिलता है, तो जरूरत के हिसाब से डिफरेंट साइज लेंथ का चैनल ऑलरेडी प्रोक्योर किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद। लेकिन जो यहाँ पे नंबर्स जो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 2.4 मीटर कंसीडर करने के बाद 117 नंबर्स आया है एमएस चैनल। तो एमएस चैनल का डाटा क्या हो गया, 117 नंबर्स, 117 नंबर 2.4 मीटर लॉन्ग, 2.4 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट आइटम है नेल्स रिक्वायर्ड इन मेकिंग एंड फिक्सिंग। नेल्स की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है, खास के प्लाई बोर्ड का जब इस्तेमाल यहाँ पे होता है तो वहाँ पे नेल्स की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेडिंग था हमारा क्या, सेटिंग मटेरियल्स कैलकुलेशन थंब रूल मेथड। नेल्स रिक्वायर्ड इन मेकिंग एंड फिक्सिंग, नंबर ऑफ प्लाई बोर्ड मल्टीप्लाइड बाई 0.4 kg, एक प्लाई बोर्ड के लिए जो थंब रूल है वो 0.4 kg का है। ये थंब रूल के बेसिस के ऊपर 0.4 kg होता है, और थंब रूल क्या होता है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर एक डाटा डेवलप करते हैं, और वो उस डाटा को क्या बोला जाता है, थंब रूल। वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सुटेबल वैल्यू होती है, वो बहुत ही एक्यूरेट के बहुत ही ज़्यादा करीब होती है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्लाई बोर्ड कितना है हमारा 40, और एक प्लाई बोर्ड में थंब रूल के बेसिस पे कितना केजी थंब नेल्स इस्तेमाल होना चाहिए, 0.4 kg। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 ये 16 kg आ गया नेल्स। नेल्स का जो साइज इस्तेमाल होगा 3 इंचेस, तो 4 इंच का जो सेटिंग में इस्तेमाल होता है वो 3 इंचेस और 4 इंचेस का इस्तेमाल होता है। तो ये 3 इंचेस 4 इंचेस का मिक्स टाइप का 16 kg नेल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर स्लैब के लिए काम करने के लिए। नेक्स्ट आइटम है जो कि शायद लास्ट आइटम है, शटरिंग वॉल, टोटल शटरिंग एरिया। शटरिंग वॉल निकालने का यहाँ पे किस तरह से निकाला गया है, शटरिंग वॉल वो ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, टोटल शटरिंग एरिया, एरिया ऑफ स्लैब। अब कहाँ कहाँ शटरिंग वॉल लगेगा, टोटल शटरिंग एरिया, इसका मतलब कहाँ कहाँ वॉल लगाना है। तो आप एक तो स्लैब के सॉफिट में वॉल लगाना पड़ेगा शटरिंग वॉल, बीम के साइड्स में लगाना पड़ेगा और बीम के बॉटम में लगाना पड़ेगा। तो टोटल शटरिंग एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्लैब सॉफिट, सॉफिट का एरिया स्लैब के, एरिया ऑफ बीम सॉफिट, बीम का सॉफिट एरिया, प्लस एरिया ऑफ बीम साइड्स, बीम के साइड का एरिया। तो ये तीनों को यहाँ पे ऐड करने के बाद टोटल एरिया हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो सॉफिट ये क्या, एरिया ऑफ स्लैब सॉफिट 204 स्क्वायर मीटर हो गया। बीम का कितना हो गया, बीम का सॉफिट 36 स्क्वायर मीटर, ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है 240। फ्लैट स्लैब एरिया 240 के बराबर हो गया, ये दोनों तो फ्लैट स्लैब एरिया के बराबर हो गया। उसके बाद जो पर्टिकल पोर्शन है बीम्स वाला वो 72 स्क्वायर मीटर, जो कि ऑलरेडी पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज को यहाँ पे यूज करने के बाद कितना वैल्यू आ गया, 312 स्क्वायर मीटर, 312 स्क्वायर मीटर। अब 1 लीटर पेंट कवर्स 10 स्क्वायर मीटर, ये जनरल एक्सपीरियंस ये है कि 1 लीटर जो पेंट होता है वो 10 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करता है। उसी थंब रूल को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे और यूज करके क्वांटिटी निकालेंगे शटरिंग वॉल का। तो 10 स्क्वायर मीटर कवर्स कंटेन्स 1 लीटर, 10 स्क्वायर मीटर में कितना, 10 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए 1 अपॉन 10 लीटर। तो 312 स्क्वायर मीटर के लिए 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 312, ये 31.2 लीटर हो गया। हमारे पास एरिया कितना था समझ लगे, 312 स्क्वायर मीटर, और 10 स्क्वायर मीटर में कितना लगता है, 1 लीटर लगता है। तो 312 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उतना लीटर शटरिंग वॉल इस्तेमाल होगा। ये कितना निकल गया, 331.2 लीटर। इसको अप्रोक्सीमेटली 32 लीटर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो शटरिंग वॉल की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 32 लीटर। तो शटरिंग वॉल की जगह पे क्या लिख देंगे, 32 लीटर। और नेल्स की जगह ऑलरेडी हम लोगों ने नेल्स का कैलकुलेट किया था, जो एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया है, नेल्स कितना है 16 kg। तो नेल्स की जगह पे 16 kg। एक तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले ड्राइंग का इस्तेमाल किया, ये 12 मतलब कंसीडर किया 20 मीटर लंबा स्लैब और 12 मीटर चौड़ा, और बीम साइज जो है 300 बाई 600 mm बीम का साइज कंसीडर किया गया है, और इसका फ्लैट स्लैब एरिया 240 स्क्वायर मीटर है। दूसरे के कौन कौन से आइटम्स हम लोग निकाले, प्लाई बोर्ड निकाला बीम साइड और बॉटम के लिए, एमएस प्लेट निकाला
सॉफिट ऑफ स्लैब के लिए वुडेन बैटन्स जो कि यूज होगा बीम साइड एंड सॉफिट में, वर्टिकल एमएस प्रॉप्स, वर्टिकल एमएस प्रॉप्स की जगह पे हम लोग बल्लीज को भी यूज कर सकते हैं, तो जितना वर्टिकल एमएस प्रॉप्स आया उतना ही बल्ली आएगा। उसके बाद एमएस चैनल्स ये 117 नंबर 2.4 मीटर लॉन्ग और नेल्स 16 kg, शटिंग वॉयल 32 लीटर। तो ये पूरा हमारा शटिंग मटेरियल कैलकुलेट किया हम लोगों ने थंब रूल मेथड से एक पर्टिकुलर स्लैब का। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से किसी भी स्लैब का हम लोग शटिंग मटेरियल इस्तेमाल निकाल सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसानी के साथ, जो कि बहुत हद तक करीब होता है एक्चुअल वैल्यू के। ओके, थैंक यू टू मच। वुडन बैटन्स पाइनवुड का यूज होता है, वुडन बैटन्स इसका साइज जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो 2 इंचेस बाई 3 इंचेस का यूज किया जाता है। लेंथ यहाँ 8 फीट और 10 फीट का होता है। तो थंब रूल क्या है इसका, इन द केस ऑफ बीम कॉलम एंड फुटिंग 8 नंबर्स ऑफ बैटन 8 फीट लॉन्ग रिक्वायर्ड इफ लेंथ ऑफ प्लाई बोर्ड इज 8 फीट। अगर एक प्लाई बोर्ड अगर वो 8 फीट लंबा है तो कितना कितना बैटन यूज करते हैं, 8 नंबर बैटन यूज करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लाई बोर्ड हमारा कितना है, 40 नंबर्स है। तो टोटल नंबर 40 नंबर्स है, तो नंबर ऑफ बैटन कितना यूज होगा, 40 × 8, 40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लाई बोर्ड में इस्तेमाल करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लाई बोर्ड हमारे पास 40 है, तो 40 × 8 कितना हो गया, 40 × 8 32 नंबर, 320 नंबर्स हो गया। तो 320 नंबर्स यहाँ पे कितना वुडन बैटन्स का क्या हमारा समय यह आया, एब्स्ट्रैक्ट आया 320 नंबर्स 8 फीट लॉन्ग। अब ये 320 नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं क्यूबिक फीट में, इसलिए कि मार्केट में ये क्यूबिक फीट में इसका रेट होता है, क्यूबिक फीट में ये अवेलेबल भी होता है। तो 320 नंबर्स टोटल सीएफटी कैलकुलेट करने के लिए 320 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, फिर ये 0.075, 2 इंचेस की जगह पे 0.05 हो गया मीटर, 3 इंचेस की जगह पे 0.075 × 2.4 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 200, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.88 क्यूबिक मीटर। 2.88 क्यूबिक मीटर को सीएफटी में कन्वर्ट करते हैं तो 35.31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 101.69 जो कि 102 सीएफटी के बराबर हो गया। वुडन बैटन्स हमारा 102 सीएफटी क्यूबिक फीट में इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट होकर के आई, और लेंथ में 320 नंबर्स 8 फीट लॉन्ग। अगर हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।